दोस्तों, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन सहित कई प्रतिभाशाली कलाकारों पर एक सपोर्टिंग रोल करने वाला एक्टर भारी पड़ गया था। इस एक्टर ने 390 फिल्मों में काम किया। शोले और दीवार में उन्होंने जो काम किया उसके लिए वो हमेशा याद किए जाते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कलाकार हुए हैं। ऐसे कलाकार जो बड़े बड़े सुपरस्टार पर भारी पड़े हैं, उनके फिल्म में होने से लीड हीरो भी फीके पड़ जाते थे। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस एक्टर ने 390 फिल्मों में काम किया और साल 1961 में आई फिल्म काबुलीवाला से बॉलीवुड डेब्यू किया। उनका फिल्मी करियर लगभग 5 दशक का रहा। इन 5 दशकों में उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे कई दिग्गज और प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ काम किया। इस एक्टर का नाम सत्येन कप्पू है। उनका असली नाम सत्येंद्र कपूर है। सत्येंद्र को फिल्म शोले में रामलाल का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सत्येन कप्पू ने फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के पिता का किरदार निभाया था। सत्येन कप्पू ने साल 1952 में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ स्टेज एक्टर के तौर पर शुरुआत की थी। उन्होंने अपने 5 दशक के करियर में पिता, रिश्तेदारों, अंकल, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर और नेगेटिव रोल निभाए। साल 1994 में सत्येन कप्पू के नाम से प्रोडक्शन कंपनी भी उनके परिवार में खोली गई। सत्येन कप्पू ने अपने जीवन के आखिरी समय तक फिल्मों में काम किया। साल 2006 में उनकी आखिरी फिल्म सरहद पार रिलीज हुई। उन्होंने 27 अक्टूबर 2007 में आखिरी सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। सत्येन कप्पू 76 साल के थे। वो लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से जूझ रहे थे।